हमारे देश की राजनीति की बात हो और उसमें हम लोग सोनिया गांधी के बारे में अगर बात ना करें तो मुझे लगता है कि राजनीति अधूरी रह जाती है। और आप समझिए कि सोनिया गांधी की कई रोचक इनके बारे में जानकारियां हैं, बड़ी दिलचस्प जानकारियां हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि सोनिया गांधी के बारे में एक सामान्य परिचय देख लेंगे। और ये यकीन मानिए आप लोग कि 70 से 80% जानकारी भारत में अधिकतर लोगों को सोनिया गांधी के बारे में मालूम नहीं होगा। आप समझिए कि सोनिया गांधी के आप इनका नाम ही आपको मालूम नहीं होगा, कई लोगों को, कि इनका वास्तविक नाम आखिर क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, ये किस धर्म से थी, कौन सा धर्म इन्होंने अपनाया है। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लेंगे। और इनकी शिक्षा कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ है, और क्या करेंगे कि इनकी राजनीतिक यात्रा किस तरह से रही है। आप देखते हैं कि कुछ विवाद भी घिरे रहते हैं तो उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो देख लीजिए, आप फोटो सामने देख सकते हैं सोनिया गांधी की, दिख रही होगी। और याद रखिए इनकी लव स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है, समझ रहे हैं, तो उस पर भी बात कर लेंगे। तो इनकी अगर हम लोग पूरे नाम की बात करें तो एंटोनिया एडवी अल्बिना मैनो, याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी पूछ ले कि एंटोनिया एडवी एल्विना मैनो, ये कौन है, सोनिया गांधी का वास्तविक नाम है ये। इनका जन्म कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि भारत की आजादी के एक साल पहले इनका जन्म होता है। और कहाँ होता है, लुसियाना इटली, यूरोप में। आप लोगों ने देश देखा होगा, देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है, यहां से आप लोग जाएंगे तो यूरोप, यहां आपको इटली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी देश में इनका जन्म होता है। अगर हम लोग इनकी माता की बात करें तो पाओलो माइनो इनकी माता का नाम है, और पिता की बात करें तो स्टेफिनो माइनो इनके पिता थे, ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं, ईसाई धर्म से जुड़ी हुई थी। कौन थी ये, ईसाई, आप लोग पढ़ते हैं ना ईसाई धर्म के बारे में, तो याद रखिए। लेकिन आप देखेंगे कि इन आपने एक कहानी सुनी होगी, बता देता हूं वैसे, कि राजीव गांधी पढ़ाई के लिए आपके कहाँ गए हुए थे, इटली। तो आप देखेंगे कि एक रेस्टोरेंट में इनकी एक तरह से मुलाकात होती है, किनकी, जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी साहब। कहते हैं कि जिस रेस्टोरेंट की बात चलती है ना, वहां ये वेटर थी। आप भी देखते हैं कि सब आर्थिक तंगी के कारण, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो एक तरह से वो इस तरह की पार्ट टाइम जॉब देख ही लेता है। तो उसी रेस्टोरेंट के जरिए आप देखेंगे कि इनकी मुलाकात हुई, होती रही, और आगे चल के आप देखेंगे कि वो 1968 में ये राजीव गांधी से शादी कर लेती हैं। और आपको बता दूं कि ये शादी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि हमारा देश पितृसत्तात्मक है, यानी कि आप देखिए कि अगर कोई भी किसी धर्म की लड़की अगर किसी धर्म के लड़के से शादी करती है तो उसमें आपने देखा होगा कि उस लड़की का धर्म वहीं रुक जाता है, किसका चालू हो जाता है, वहां से उस लड़के के साथ जुड़ जाता है। अगर उसके बच्चे भी होते हैं तो आपने देखा होगा कि सरनेम किसका लगता है, बाप का। तो यही इनके साथ भी हुआ कि इनका एंटोनिया एडवी अल्विना मेनो इनका नाम दब जाता है। और आपने देखा है कि सोनिया गांधी वजन नाम इनका चर्चा में आ जाता है, ठीक है। और आप देखिए कि आप में से अधिकतर लोग, कई लोग इनके विरोध में होंगे, कई लोग इनके पक्ष में होंगे, तो वो अपनी अपनी देखिए विचारधारा है, किसको कौन सी विचारधारा पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में अच्छी बात है कम से कम। और आप सोचिए कि इतना मतलब राजनीति में सक्रिय, आप समझ सकते हैं। तो ये है इनका, आप देखेंगे, आप सभी जानते हैं इनकी, इनके दो बच्चे हैं,
इनके कितने? दो बच्चे हैं। एक तो आप जानते हैं राहुल गांधी, जो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संसद के सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा सदस्य हैं। वहीं आप देखते हैं कि आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय है कौन? प्रियंका गांधी। तो आप सभी जानते हैं कि ये भी भारतीय राजनीति से जुड़ी हुई है। इनका गृह नगर की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली देखने को मिलेगी, और इनके अगर हम लोग स्कूल की बात करें, किनके? इंदिरा गांधी। किनके? इंदिरा गांधी की बहू के, यानी कि किनके? सोनिया गांधी के। तो इनकी स्कूल की शिक्षा की बात करें तो अटेंडेड एक कैथोलिक स्कूल इज स्कूल इन और बसानो, ए टाउन नियर टोरिन, इटली में होती है। और अगर हम लोग आगे की महाविद्यालय या आप कह सकते हैं विश्वविद्यालय, तो इसे आप देखेंगे बेल एजुकेशनल ट्रस्ट लैंग्वेज स्कूल कैम्ब्रिज सिटी इंग्लैंड से होती है इनकी आगे की पढ़ाई। तो इससे ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि काफ़ी पढ़ी लिखी है। अगर हम लोग इनकी रुचि की बात करें, जिसे आप लोग शौक भी कहते हैं, कि इनके शौक क्या क्या हैं, तो एक तो आप देखेंगे यात्रा करना, पुस्तकें पढ़ना, और आपने देखा होगा कि जब भी कहीं इंटरव्यू करती हैं अपने जहाँ भी रहती हैं, तो आपने देखा होगा पीछे इनकी बड़ी किताबें रखी हुई हैं। पाक कला यानी कि खाना बनाना, योग करना, आधुनिक कला में रुचि है। और आप सभी को जानते हैं कि राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपको बता दूं, कुछ कांग्रेस के बारे में भी बता देता हूं। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। कब? 28 दिसंबर 1885 को। लेकिन एक बात और बता देता हूं कि आज की कांग्रेस और उस समय की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि आप लोगों को दिख भी रहा होगा आजादी में किस तरह से कांग्रेस का योगदान रहा है। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस की क्या हालत हुई है आप सभी को मालूम भी है। उसके बाद अगर हम लोग इनके राजनीतिक यात्रा की बात करें, तो 1997 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में प्राथमिक सदस्य के रूप में चुनी जाती हैं। आप भी तो देखते होंगे, आप लोग भी किसी पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। तो 1997 में ये पार्टी में प्राथमिक सदस्य के रूप में चुनी जाती हैं। 1998 में आप देखेंगे कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नेता बनती हैं। राजीव गांधी की डेथ के बाद बात कर रहा हूं। 1999 में उन्होंने उत्तर प्रदेश अमेठी और कर्नाटक के बेल्लारी से लोकसभा चुनाव लड़ा, और परिणाम स्वरूप आप देखेंगे दोनों ही सीटों पर दर्ज जीत भी दर्ज की हुई है। और ये भी माना जाता है कि काफी राजनीति में बड़ी, मतलब एक तरह से जो पॉलिटिशियन में होनी चाहिए क्वालिटी, वो सोनिया गांधी में आपको देखने को मिलेगी। कब कौन सा निर्णय लेना है, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपने देखा है कि जब इनकी नागरिकता पर काफी सवाल उठे, क्योंकि आप समझिए कि इन्होंने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। अगर ये चाहती तो खुद प्रधानमंत्री बन सकती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इनके प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो कितना बवाल हुआ देश में। तो इसलिए इन्होंने वहां भी सूझबूझ अपनी जो भी दिखाई और अपना मतलब करते ही रहे काम, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 1999 में आपके लोकसभा चुनाव होते हैं, और 13वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी गई थी। और 2004 में आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव होते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर फिर से दर्ज करती हैं। फिर आप देखते हैं कि 16 मई 2004 को उन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए के नाम पर 15 दलीय गठबंधन सरकार का नेता चुना गया था। लेकिन आप देखेंगे कि किन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो हमारे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन यहां याद रखिएगा, जो यूपीए आप लोग कहते हैं ना, यूपीए जिसे आप लोग संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, या फिर आप लोग इसे इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कह देते हैं, ये इसमें क्या है कि एक तो आपकी कांग्रेस मुख्य पार्टी होगी और इसके जो सहयोगी दल हैं, इन सबको मिलाकर आपकी यूपीए बनती है।
इसी तरह आप देख सकते हैं कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसमें आप देखते हैं कि बीजेपी तो आपकी मुख्य पार्टी है और बाकी इसकी सहयोगी पार्टियां इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। आगे बात करते हैं कि 2006 में वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित हुई हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि कहीं इन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा, काफी सफल रही हैं। अब जिस तरह से रही हैं आप सब जानते हैं। आप 2009 में आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में वह तीसरे कार्यकाल के लिए रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से फिर से निर्वाचित होती हैं। फिर आप देखते हैं कि 2014 में आपके लोकसभा चुनाव होते हैं, और आप सभी ने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की किस तरह से लहर चल रही थी, उसमें भी ये अपनी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं और अपनी सीट सुरक्षित बनाए रखते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेता 2014 के लोकसभा चुनाव में भी हार चुके थे। और 2019 की अगर हम बात करें कि साल 2019 में हुए आम लोकसभा चुनाव में सोनिया ने फिर से रायबरेली की सीट हासिल की। हालांकि इस चुनाव में आपने देखा होगा कि वे काफी कम मार्जिन से जीत दर्ज करा सकी, क्योंकि 2019 के लोकसभा में भी कांग्रेस के बहुत बड़े, एक तरह से अपने धाकड़ कह सकते हैं, सब चुनाव, अधिकतर चुनाव आप कह सकते हैं हार गए थे। इस समय भी आप देखेंगे कि रायबरेली से ये चुनाव जीतती हैं, इतनी मोदी हवा होने के बाद भी। ठीक है, आपने देखा है राहुल चुनाव हार गए थे अमेठी से, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये रही है इनकी। अगर हम लोग इनके विवाद की बात करें, क्या विवाद की बात करें, क्योंकि ये विवादों से भी काफी घिरी रही हुई है, तो इनके विवाद भी देख लीजिए। तो अपने करियर के दौरान बहुत चर्चित बोफोर्स घोटाले की खबर को दबाने के लिए इनकी कड़ी आलोचना की गई थी। आपने देखा होगा हमारे देश में कई घोटाले हुए हैं, उनमें से एक आप लोग बोफोर्स भी देख सकते हैं। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में सोनिया को सुपर पीएम की तरह कार्य करने के लिए कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। देखिए, हाँ, आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। आप सोचिए कि आप किसी पार्टी के पास, आपके पास बहुमत है, आप किसी को पीएम या सीएम बना देते हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए वो पद पे बैठा हुआ है केवल, लेकिन निर्णय कौन लेता है, पीठ पीछे या चुपके से आप कह सकते हैं, बंद कमरे से कह सकते हैं, निर्णय आप लेते हैं। तो आप, नॉर्मल सी बात है। और कहा भी जाता है ऐसा कि मनमोहन सिंह, अब देखिए कांग्रेस नकारती रहती है इन सब बातों को, लेकिन माना जाता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही फैसले लेते थे, अधिकतर फैसले में इनका इंटरफेयर होता ही था, मनमोहन जब तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अभी भी तो आप लोग देखते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि प्रधानमंत्री, मतलब आरएसएस की काफी इसमें मतलब फैसले होते हैं इस तरह के, प्रधानमंत्री उनके इशारे पर काम करते हैं, इस तरह के कई बार आपने देखा होगा सवाल उठते रहते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी पर बहुचर्चित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में अहमद पटेल की सहायता करने का भी आरोप लगा है। और आप समझिए कि अहमद पटेल हो या दिग्विजय सिंह हो एमपी से, या फिर आपके कमलनाथ हो, ये काफी इनके, सोनिया गांधी के करीबी हैं, समझ रहे हैं आप लोग, सलाहकार हैं, तो आप समझ सकते हैं। उन्हें आपने देखा होगा कि इनके दामाद हैं जो, यानी कि प्रियंका गांधी के रॉबर्ट वाड्रा, इनका भी आपने देखा होगा कि अचल संपत्ति में इनका नाम भी आया हुआ था। तो इस तरह भी आप लोग देख सकते हैं। 2016 में आपने देखा होगा कि उन्हें नेशनल हेराल्ड केस में अदालत में पेश किया गया था, और जिन पर उन पर आयकर अधिनियम 1961 का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। तो मुझे लगता है कि नेता अगर बने हों तो केस होने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। इनका आप लोग नाम भी याद रखिएगा। और आपने देखा होगा कि इन्हें कुछ सम्मान भी दिया गया,
सोनिया गांधी को दुनिया भर में विश्वविद्यालयों द्वारा कई पुरस्कार और सम्मान भी दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि मद्रास विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट साहित्य के साथ सम्मानित भी किया था। और वहीं आप लोगों ने देखा होगा 2006 में बेल्जियम सरकार की तरफ से ऑर्डर ऑफ किंग लियोपोल्ड पुरस्कार भी दिया गया था। वहीं आप देखेंगे 2006 में ही ब्रसेल्स यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी हुई थी, सम्मान भी किया हुआ था। वहीं आपने देखा होगा 2008 की बात कर रहा हूँ, 7 और 8 में, सन 2007-8 में टाइम जो आपकी मैगजीन है ना, इसने टाइम 100 यानी कि 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में इन्हें भी शामिल किया गया था। सबसे शक्तिशाली लोगों में इन्हें भी शामिल किया गया था, एक तरह से प्रभावशाली। और आपने देखा होगा कि 2013 में सबसे शक्तिशाली महिला का गौरव भी इन्हें मिला है, जो आपकी फोर्ब्स द्वारा 2013 में तीसरे स्थान पर सोनिया गांधी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला चुनी गई थी। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी याद रखिएगा। और आपको एक और मालूम होना चाहिए, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान भी है। ऐसे कहते हैं कि 9 भाषाएं जानती हैं देश और विदेश की। समझ रहे हैं? और ऐसा भी माना जाता है कि इन्हें साड़ियों से बड़ा लगाव है, इसलिए आप देख भी सकते हैं। बाकी विदेशों में तो आप देखते हैं उनका पहनावा अलग रहता है, लेकिन सोनिया गांधी ने काफी हद तक अपने आप को भारतीय परंपरा में ढाल लिया है, एक तरह से। आप समझ रहे हैं? अब आप लोग इसे किसी भी तरह से आप कह सकते हैं। और आप देखते हैं कि काफी अच्छी हिंदी भी ठीक ठाक अब बोलने लगी हुई है, तो ये भी चलिए इनके बारे में यही पॉइंट याद रखिएगा। और क्या है इनके बारे में जानने के लिए? अभी आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष पद खाली है, तो यही संभाल रही है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग इनके बेटे के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि बेटा भी काफी सक्रिय है, और देखेंगे क्या है इनके बेटे के बारे में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग आगे।